हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजय मेहता और आप देख रहे हैं अजय कॉर्नर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रायसेंथेमम प्लांट को हमने कटिंग से कैसे ग्रो करना है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट मेरा पिछले साल का प्लांट है। इस प्लांट को मैंने विंटर और समर में दोनों में सेव करके रखा था। तो अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो उसमें ये प्लांट अभी हरा भरा हो गया है। तो आज हम सीखेंगे कि हमने इसकी कटिंग से कैसे लगाना है। तो मैंने अपने गुलदाउदी के प्लांट को ये खेत में लगा के रखा है। जो गुलदाउदी का प्लांट है इसको क्रायसेंथेमम का प्लांट भी कहते हैं। क्रायसेंथेमम इसका इंग्लिश नेम है और गुलदाउदी इसको हिंदी में कहते हैं। अगर आपके पास लॉन अवेलेबल है या फिर थोड़ा खेत अवेलेबल है जहाँ पे जगह खाली हो तो वहाँ पे भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसके पास जगह नहीं है तो आप इसको गमले में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरे पास एक दूसरे कलर का क्रायसेंथेमम है। इसमें येलो कलर की फ्लावरिंग होती है और जो आपको मैंने पहले वाला दिखाया है उसमें व्हाइट कलर की फ्लावरिंग होती है। जो क्रायसेंथेमम है इसको कटिंग से लगाने का ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी बरसात का ही मौसम है। तो इसमें जब आप कटिंग लगाएंगे तो कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी, क्योंकि जो आजकल का मौसम है इसमें थोड़ा नमी भी रहती है, जिस वजह से हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। जहाँ पे भी मानसून है तो वहाँ पे आप लोग इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जहाँ पे मानसून स्टार्ट नहीं हुआ है, वैसे तो सब जगह पे भी स्टार्ट हो ही गया होगा, तो वहाँ पे आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और जब भी आप इसकी कटिंग लगाना चाहें तो आपने ये देख लेना है कि एक दो दिन पहले बारिश हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप इसकी कटिंग लगाइए। अगर जैसे आप इसको गर्मियों में कटिंग लगाएंगे तो उस समय क्लाइमेट में थोड़ा गर्म भी होता है, तो उस वजह से क्या होगा कि हमारी कटिंग होंगी वो सूख जाएंगी। तो इसलिए आप जब भी इसकी कटिंग लगाना चाहे तो ऐसे मानसून के टाइम में इसकी कटिंग लगाना चाहिए। जो ये हमारे पास गुलदाउदी की कटिंग है, जो हम इसको कटिंग से ग्रो कर रहे हैं, तो इनमें प्लांट बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि जो भी प्लांट हम कटिंग से ग्रो करते हैं उसमें बहुत ही हेल्दी फ्लावर आते हैं और हम प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो चलिए अब हम अपने जो ये क्रायसेंथेमम प्लांट है इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग देखिए, हमने बहुत छोटी छोटी लेनी है। ये दिख रहा होगा आपको, मैं बहुत छोटी छोटी कटिंग ले रहा हूँ। मैं अपने दोनों प्लांट की कटिंग लूंगा, जिसमें येलो फ्लावरिंग आती है वो भी लूंगा और जिसमें व्हाइट फ्लावरिंग आती है वो भी लूंगा। मैं इन दोनों की अच्छे से कटिंग कर लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो इसमें एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उनको हटा लूंगा। जब हम कोई भी प्लांट कटिंग से ग्रो कर रहे हैं तो उस समय उसमें जितनी कम पत्तियां होंगी वो प्लांट उतनी जल्दी ग्रो होगा। ये देखिए, ये मेरा दूसरा प्लांट है जिसमें येलो कलर की फ्लावरिंग होती है। इस पर भी मैं छोटी छोटी कटिंग लूंगा, इसकी बड़ी कटिंग हमने नहीं लेनी है। ये देखिए, मैंने अपने क्रायसेंथेमम प्लांट के जो मेरे पास येलो कलर का है और व्हाइट कलर का है उन दोनों की मैंने कटिंग ले ली है। अब मुझे क्या करना है कि जो इसमें आप एक्स्ट्रा पत्तियां देख रहे हैं इनको हटा लेना है। आप भी जब अपने प्लांट की कटिंग कर रहे हैं, कटिंग से ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन सबको हटा लीजिए। और ये ध्यान ये देना है कि जो छोटी कटिंग हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो छोटी कटिंग होती है इनका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। अगर आप इन्हीं कोई बड़ी कटिंग में ले लेते तो उनका वो अच्छे से ग्रो तो हो जाती है, मगर उनका सर्वाइवल रेट कम होता है। सर्वाइवल रेट मतलब, जैसे कि आपने 10 कटिंग लगाई तो उसमें हो सकता है कि 3 या 4 ही कटिंग उसमें लग जाएंगी। तो इसलिए आपके क्या करना है कि छोटी से छोटी कटिंग लेनी है। जो ये बड़ी कटिंग होती हैं ये थोड़ा लैगी भी हो जाती हैं, जब उसको ग्रो करेंगे तो उस समय थोड़ा लैगी हो जाएंगे। लैगी मतलब इसमें जो हमारा प्लांट है इसकी खूबसूरती बहुत अच्छे से नहीं आएंगे, और आप जैसे छोटा लेंगे तो वो लैगी नहीं होगा तो हमारा प्लांट उसमें बहुत अच्छे से शो करेगा। तो आप जब भी अपने क्रायसेंथेमम प्लांट को ग्रो करना चाहे कटिंग से, तो उस समय आपने बहुत छोटी छोटी कटिंग लेनी है। आप इस क्रायसेंथेमम को अपने लॉन में भी लगा सकते हैं, जो लॉन की बाउंड्री होती है वहाँ पे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता भी है। अगर आपके पास लॉन नहीं है तो आप इन छोटी छोटी कटिंगों को गमलों में लगाइए, और गमलों का ही अपने जो आपने टेरेस गार्डन या कहीं पे भी गार्डन बना रखा है वहाँ पे रख दीजिए, उसमें भी बहुत अच्छे से लगता है। तो जो गुलदाउदी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो टाइप की होती है, एक में व्हाइट फ्लावरिंग होती है और एक में येलो फ्लावरिंग होती है। तो ऐसे ही मैं अपने सब कटिंग से एक्स्ट्रा पत्तियां हटा लूंगा, उसके बाद हम इसको ग्रो करेंगे। ये देखिए, मैंने अपने क्रायसेंथेमम प्लांट की जो कटिंग ली थी उनमें से मैंने एक्स्ट्रा पत्तियां अब हटा ली हैं। इसको अब मैं सॉइल में लगाता हूँ।
तो सॉइल में लगाने से पहले हमने ऐसे छोटे छोटे होल बना लेने हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें आप इसमें शहद लगाएंगे, अगर थोड़े केमिकल यूज करना चाहते हैं तो रूटिंग हार्मोन इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़ा हल्दी और थोड़ा शहद का यूज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा हल्दी से प्लांट कटिंग को ग्रो करूंगा और थोड़ा शहद से ग्रो करूंगा। तो मैं हल्दी का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हल्दी एक फंजीसाइड होता है। जब हम कोई भी कटिंग को ग्रो करते हैं तो उसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इसलिए हम उसमें थोड़ा हल्दी लगाते हैं, तो उस वजह से उसमें फंगस नहीं लगता है। आप इसमें फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। आपने ये देखिए, ऐसे शहद में डिप करके इसको ऐसे होल में डाल लेना है। मैं कुछ कटिंग ऐसे शहद लगा के ग्रो करूंगा और कुछ कटिंग नॉर्मली करूंगा। नॉर्मली मतलब उसमें थोड़ा हल्दी लगा दूंगा जिससे उसमें फंगस ना लगे, और उसको सीधे ऐसे इसमें डाल दूंगा। ये देखिए, मैंने क्राइसेंथेमम की पूरी कटिंग लगा दी है। इसमें मैंने कुछ कटिंग सिंपल लगा रखी हैं और कुछ कटिंग सहज से लगा रखी हैं। और मेरे पास ये थोड़ी हल्दी बची थी, मैं इस हल्दी को इसमें ऐसे ही डाल दूंगा क्योंकि मैंने कुछ कुछ प्लांट में शहद लगा रखा है तो उनमें हो सकता है कि फंगस लग जाए, तो उस वजह से अगर मैं इसमें हल्दी डाल दूंगा तो इसे फंगस नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर आप भी अगर हल्दी का यूज कर रहे हैं तो उसमें इसको हल्दी ऐसे ही डाल दीजिए। अब हमने क्या करना है कि इसको हल्के हल्के ऐसे दबा देना है। ये दबाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें एयर बबल नहीं बननी चाहिए। अगर एयर बबल बनेंगे तो हमारा प्लांट खराब भी हो सकता है, तो इसलिए आप इसको हल्के ऐसे दबा दीजिए। तो ये देखिए, मेरे क्रैसेंथेमम की कटिंग लग चुकी है। अब मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने क्राइसेंथियम की कटिंग में पानी डाल दिया है। जब भी कटिंग में रूट्स आ जाएंगे तो मैं इनको रिपोर्ट करूंगा, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।